गाइज, अगर आप भी टैब लेने का मन बना रहे हो तो आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टैब का रिव्यू देने वाला हूँ, Realme Pad 2 का। एंड फ्रेंड, जो मेरे पास आप देख रहे हैं Realme Pad 2, वो मेरा टैब 8GB रैम 256GB रोम वाला वेरिएंट है। एंड फ्रेंड्स, अगर इसके प्राइस की बात करूँ तो 21-22 हज़ार रुपये के लगभग आपको 256GB वाला वेरिएंट देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, इस टैब को यूज़ करते करते लगभग 8 से 10 महीने का टाइम हो चुका है। एंड फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस टैब का बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस रिव्यू देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसकी थिकनेस, वेट वगैरह की बात कर लेते हैं। तो ये जो Realme Pad 2 है वो 11.5 इंच लंबा एक टैब है। एंड फ्रेंड्स, अगर इसके वेट की बात करें, 580 ग्राम इसका वेट है। एंड फ्रेंड्स, अगर इसकी थिकनेस मतलब कि पतलेपन की बात करें तो 7.2 mm की इसकी थिकनेस है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। मतलब काफ़ी पतले टैब में से एक आता है Realme Pad 2, जो कि मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। एंड फ्रेंड्स, अगर इसके बैक पैनल की बात करें तो पूरा मेटल फ्रेम है, इसकी वजह से इसका वेट थोड़ा सा बढ़ता है, 580 ग्राम तक जाता है। मतलब आधे किलो का आप टैब हाथ में लेके चला रहे हो तो थोड़ी सी थकावट तो होती है हाथ में चलाने से, लेकिन अगर आप मूवी इंजॉय करते हो, कहीं भी रख के देखते हो, तो फ्रेंड्स वो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस आपका रहता है। अगर फ्रेंड्स इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें डिस्प्ले जो लगाया गया है वो 11.5 इंचेस का डिस्प्ले है। वहीं ये जो डिस्प्ले है वो 120 हर्ट्ज का है, 2K डिस्प्ले है। और फ्रेंड्स, इसमें आप मल्टीपल टच भी कर सकते हो, मतलब 10 फिंगर सपोर्ट करता है ये टैबलेट। ये काफ़ी मज़ेदार चीज़ हो जाती है, अगर आप एक साथ गेमिंग वगैरह करते हैं, मल्टीपल टच करते हैं, तो आपका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है इस टैब के साथ में। तो फ्रेंड्स, जब बात डिस्प्ले की कर ही रहे हैं तो फ्रेंड्स इसी के साथ साथ कंटेंट की भी बात कर लेते हैं। अगर आप इसके डिस्प्ले के साथ में कोई भी कंटेंट देखते हैं, चाहे वेब सीरीज, मूवी, सॉन्ग्स वगैरह देखते हैं, काफ़ी बेस्ट एक्सपीरियंस मेरा रहा इस टैब के साथ में। मतलब एक पूरे लैपटॉप वाली फीलिंग आती है, क्योंकि काफ़ी बड़ा सा है। एंड इसमें जब मूवीज़ और बहुत आप कोई भी कंटेंट देखते हैं तो इसमें देखिए साउंड भी बहुत अच्छा सा आता है। इसमें 4 स्पीकर्स लगे हुए हैं, डॉल्बी एटमॉस क्वाड स्पीकर्स का सपोर्ट है, मतलब चारों कोनों पे आपको स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे। इससे एक बहुत ही बढ़िया सा एटमॉस बन जाता है, चारों तरफ से आवाज़ आती है, तो ऐसा लगता है कि आपका जो एक्सपीरियंस है उसमें 4 चांद लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये टैब लेते हैं तो कंटेंट और सॉन्ग्स में बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये टैब मुझे लगा। बाकी किस किस के पास में है, कौन कौन यूज़ कर रहा है एंड कौन कौन लेने वाला है, मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। तो फ्रेंड्स, अगर इस टैब के प्रोसेसर की बात करें तो इस टैब में आपको देखने को मिलता है MediaTek का Helio G99 चिपसेट, जो कि 2.2 GHz पे वर्क करता है। मतलब इस चिपसेट से आप बहुत ज़्यादा हैवी टास्क नहीं कर सकते हैं। देखो, अगर आप ये टैब ले रहे हो तो आप इसमें PUBG या BGMI तो खेलोगे नहीं। एंड इसमें बहुत से लोग गेमिंग वगैरह भी करते हैं, तो आप जैसे टेम्पल रन, सब्वे सर्फ, ये सब खेल सकते हो। उसके साथ साथ जो हल्के फुल्के गेम है वो तो आप बहुत इजीली खेल पाओगे, लेकिन जो हैवी गेम्स हैं वो इसमें नहीं प्ले होंगे। मतलब चलाओगे भी तो हीट वगैरह बहुत करेगा और खेलने में भी आपको दिक्कत होगी। प्रोसेसर के साथ में आप नॉर्मली गेमिंग कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। आप जैसे कॉलेज जाते हैं तो नोट्स वगैरह बनाने हैं तो इसमें नोट्स वगैरह बना सकते हैं, और वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, वो भी हाई लेवल वाली नहीं, हल्की फुल्की वीडियो एडिटिंग इसमें चल जाएगी। और जो डेली के सोशल मीडियाज़ हैं वो भी आप बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको एक बात और बता दूँ, ये जो टैब है वो एक 4G टैब है, 5G टैब नहीं है। इसलिए अगर आप 4G में मतलब इंटरेस्टेड हो, ले सकते हो, वाईफाई घर पर लगा है तो आप 4G ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। सस्ता टैब है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर आपको और भी 5G टैब लेने हैं तो वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी हमारे चैनल पे, वो आप देख लेना। अगर फ्रेंड्स इसके ग्राफिक प्रोसेसर की बात करूँ तो G57 ग्राफिक प्रोसेसर है, जो कि इसकी क्वालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव करता है, जो कि मुझे भी काफ़ी बढ़िया देखने में लगी थी। एंड फ्रेंड्स, अगर बैटरी की बात करें तो 8360 mAh, मतलब 8360 mAh का बैटरी इसमें देखने को मिलता है। और फ्रेंड्स, Realme इस पर क्लेम करता है कि इसका जो स्टैंड बाई टाइम है, मतलब आप बिल्कुल भी यूज नहीं करें तो इसका स्टैंड बाई टाइम इसमें कब तक बैटरी रुकी रहेगी, वो है 1347 घंटा। एंड फ्रेंड्स, अगर टॉक टाइम की बात करें तो Realme क्लेम करता है 37 घंटे का, लेकिन देखिए अगर आप गेमिंग, मूवी या फिर एडिटिंग वगैरह करते हो, म्यूजिक वगैरह सुनते हो,
तो म्यूजिक पे तो ज़्यादा चल जाएगी बैटरी, लेकिन जो मूवी वगैरह या गेमिंग वगैरह करते हो उस पर 7 से 8 घंटे का बैटरी बैकअप आपको बहुत ईजिली देखने को मिल जाता है। और फ्रेंड्स अगर कैमरे की बात करूँ, देखिए कैमरे की बात कोई भी नहीं करता है। देखिए टैब में कैमरे की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हमारी रहती भी नहीं है क्योंकि टैब में कैमरा बेस्ट नहीं होता है। तो इस टैब में आपको देखिए 8MP का एक मेन कैमरा देखने को मिलता है, 5MP का एक और कैमरा देखने को मिलता है, और अगर फ्रंट कैमरे की बात करें तो 5MP का कैमरा देखने को मिलता है। तो जो बैक में 8MP का कैमरा है वो तो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस बता रहे हैं रियलमी के, लेकिन मुझे बहुत बढ़िया क्वालिटी इसकी नहीं लगी। 1080p 30fps पे है, रिकॉर्ड करता है, और अगर आप इससे फ़ोटोज़ वगैरह लेते हो नॉर्मली ठीक ठाक आ जाते हैं, वीडियो कॉल वगैरह आप बहुत ईजिली इस टैब से कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मैं बहुत ज़्यादा बेस्ट भी नहीं कहूँगा इस टैब को, एंड बहुत ज़्यादा बेकार भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने इसे यूज़ किया तो मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लगा, इसलिए मैंने आपके साथ में शेयर किया। बाकी ये 4G टैब है आपको बता दिया फिर से मैंने, और अगर आप 5G ले रहे हो क्योंकि 5G का दौर चल रहा है एंड 5G के दौर में 4G खरीद रहे हो तो आपकी एक चॉइस हो सकती है Realme Pad 2। बाकी अगर 5G की तरफ जाने वाले हो तो और भी टैब्स हैं उनकी तरफ जा सकते हो, लेकिन वीडियो अभी मेरे चैनल पर नहीं आया है, जब भी वीडियो आ जाएगा तो इस वीडियो के नीचे लिंक मैं दे दूंगा। बाकी फ्रेंड्स आपका क्या ओपिनियन है इस टैब को लेकर आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना, और फ्रेंड्स जिसे मैंने इतने दिनों से यूज़ किया वो भी एक्सपीरियंस आपके साथ थोड़ा थोड़ा शेयर कर देता हूँ। देखिए मैंने इसमें कंटेंट ज़्यादा देखता हूँ तो मैं कंटेंट में तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। बाकी इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव मुझे लगी क्योंकि इसमें डॉल्बी क्वाड स्पीकर्स लगे हुए हैं जो कि मुझे काफ़ी बढ़िया लगे। एंड फ्रेंड्स प्रोसेसर का मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, देखिए हल्के फुल्के टेम्पल रन वगैरह खेलता हूँ बहुत ईजिली मेरे चल जाते हैं, मल्टीटास्किंग करता हूँ थोड़े बहुत ही अच्छे से मेरे हो जाते हैं। बाकी फ्रेंड्स मुझे बहुत ज़्यादा इसमें काम नहीं रहता, मेरे पास फ़ोन्स भी हैं तो देखिए नॉर्मली इसमें मैं क्या करता हूँ कंटेंट ज़्यादा देखता हूँ, बाकी थोड़ा मोड़ा गेमिंग कर लेता हूँ, बस इतना ही मेरा इसमें काम रहता है। तो बस इतना काम के लिए मेरा टैबलेट ये बहुत अच्छे से चल रहा है। बाकी यही मेरा एक्सपीरियंस है, आपको कैसा लगा कमेंट में बता देना, बाकी कोई भी डाउट हो आप उससे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर से कर दूंगा। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बहुत सारे अनबॉक्सिंग रिव्यूज़ वीडियो मैंने डाल के रखे हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।